नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। चीन पर क्या भरोसा किया जा सकता है, ये सवाल उस वक्त से उठ रहा है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तमाम समझौते किए गए। लेकिन सवाल उस वक्त भी यही था और आज भी यही तमाम लोगों के सामने है कि क्यों चीन बार बार इस तरीके की हरकत करता है जिसके बाद भारत और चीन के रिश्तों में कहीं ना कहीं दरार दिखने लगती है, तनाव दिखने लगता है। एक बार फिर से भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद दिख रहा है। सवाल वही है कि शी जिनपिंग के जाने के बावजूद भी अब तक ये स्थितियां सुधर क्यों नहीं रही हैं। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की सेना को ये तक कह दिया है कि क्षेत्रीय युद्ध के लिए तैयार रहें। सवाल यह है कि क्या चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है या एक बार फिर से ड्रैगन भारत को डसेगा। एक रिपोर्ट देखते हैं। क्या बॉर्डर पर हमले को तैयार है ड्रैगन? चीनी राष्ट्रपति ने आर्मी को क्या आदेश दिया? मोदी जी, ये चीन धोखेबाज है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आदेश के बावजूद लद्दाख क्षेत्र के चुमार में चीनी सेना के न हटने का हर्जाना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बड़े अधिकारियों को भुगतना पड़ा। नाराज राष्ट्रपति शी ने पीएलए के बड़े अफसरों की बदली की और सेना के क्षेत्रीय युद्ध जीतने की तैयारी का आदेश दिया और केंद्रीय नेतृत्व के सभी फैसलों का सख्ती से पालन करने को कहा। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बल मुख्यालय का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रति पूर्ण निष्ठा और इसमें सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केंद्रीय नेतृत्व के सभी फैसलों का पूरी तरह पालन हो। पीएसएफ बल मुख्यालय को अपनी युद्धक तैयारी में सुधार करना चाहिए और सूचना एवं तकनीकी के दौर में क्षेत्रीय युद्ध जीतने की अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए। चीनी राष्ट्रपति का क्षेत्रीय युद्ध जीतने को लेकर पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है, लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय क्षेत्र में चीन द्वारा बार बार की जा रही घुसपैठ के मद्देनजर उनका यह बयान काफी मायने रखता है। वही पीएलए प्रमुख जनरल फैन फेंगई ने भी अपने बयान में चीनी राष्ट्रपति के आदेशों का पालन करने की बात कही है। पीएलए के सभी बल सीएमसी के अध्यक्ष राष्ट्रपति शी के निर्देशों का पालन करें। सीएमसी चीन की सेना का आला कमान है। बलों को सीएमसी द्वारा तय किए गए नए लक्ष्यों और मिशन को पाने के लिए अपने अभियानों में सुधार करना चाहिए। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि चीनी राष्ट्रपति के आदेशों के पालन पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से ये निर्देश ऐसे वक्त आए हैं जब लद्दाख क्षेत्र के चुमार इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पीएलए और भारतीय सेना के बीच गतिरोध चल रहा है। इस गतिरोध में एक नया मोड़ तब आया जब पीएलए ने भारतीय सीमा के भीतर 7 तंबू लगा दिए और वहां से हटने का भी कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या शी जिनपिंग मोदी को धोखा देने वाले हैं? सुदर्शन न्यूज के लिए मोहित शर्मा की रिपोर्ट। तो सवाल यह है कि क्या शी जिनपिंग के भारत दौरे के बावजूद भी भारत और चीन के बीच में जो तलखियां हैं वो कम नहीं हुई हैं? शी जिनपिंग जो भारत आकर 12 समझौते करके गए, क्या शी जिनपिंग भारत को और चीन भारत को धोखा यहां पर देने वाला है? इसी मसले पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। दिनेश प्रताप सिंह है बीजेपी की तरफ से मेरे साथ, अनूप पांडे साहब कांग्रेस नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं और आरबी शर्मा साहब डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। आरबी शर्मा साहब, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, ये किस तरीके के मापदंड हैं चीन के? अगर एक तरफ शी जिनपिंग भारत आते हैं, 12 समझौते किए जाते हैं और ये तक कहा जाता है कि जो चीन की सीमा जो सेना है वो अपने प्रभाव क्षेत्र के अंदर आएगी, यानी अपना जो चुमार सेक्टर में या बार बार इस तरीके के जो मामले सामने आए हैं कि घुसपैठ हो रही है, उन अपनी यथास्थिति पे वापस जाएगी चीनी सेना, और उसके बाद इस तरीके का बयान कि आप क्षेत्र युद्ध के लिए तैयार रहिए। बात ऐसी है कि भारत और चीन के ताल्लुकात बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। इनको सीधे सीधे इस तरह से समझ लेना कि जिनपिंग यहां आए हैं, उनके साथ मुलाकात हुई है,
तो हमारे सारे रिश्ते सुधर जाएंगे, ऐसी बात है नहीं। और जहां तक ये क्षेत्रीय युद्ध जीत लेने के लिए उनका आह्वान है अपनी सेनाओं को, उस पर भारत ने पहले से ही शायद गौर किया है, और इसलिए जो आज परिस्थिति है चूमर और देमचौक में के क्षेत्र में, भारत ने भी अपनी ओर से दोनों प्रकार के कदम उठाए हैं। यदि चीन भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है तो हम तैयार हैं। यदि वे ट्रेड और कॉमर्स और इकोनॉमी और डेवलपमेंट में भागीदार होना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, और यदि वो आमने सामने का रुख अपनाते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। नहीं, सवाल ये है आरबी शर्मा साहब कि यहाँ पर जो इतनी कुछ हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई, कैजुअल मुलाकात देखने को मिली, एक जो रुख कहा जाता था वो नर्म कहा जाने लगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्ती से बात कही है, ये तक बातें तमाम चीजें सामने आई हैं, उन तमाम समझौतों का, वो उस दौरे का, और इतना कुछ जो हुआ शी जिनपिंग के भारत आने के बाद, उस यथास्थिति जो उन्होंने कही थी कि जो चीनी सेना है वो अपनी यथास्थिति पर लौटेगी, उन तमाम बातों का क्या हुआ? क्या ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर या सिर्फ एक ये मति भ्रम है या मरीच का कहा जाएगा इसे? नहीं, मति भ्रम तो नहीं, लेकिन चीन की जो कूटनीति है उसके बारे में सदा से ही ये बात हुई है, और हम देखते आए हैं यहां तक कि जब चुएनलाई और नेहरू जी की बातें होती थी उस वक्त भी हम छोटी सी बात पर बहुत बड़ी आशा बना के बैठ जाते थे कि वो यहाँ आए हैं और यहाँ से वापस गए हैं और मिले हैं और चर्चा हुई है तो मामला सुधर जाएगा। ये हमारा मति भ्रम नहीं है, और मुझे पूरी इस बात का विश्वास है कि न तो भारत का कूटनीतिक तंत्र और न ही इसका सुरक्षा तंत्र इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं है या किसी प्रकार की भ्रम है। ठीक है दिनेश प्रताप जी, सवाल यह है कि बीजेपी की तरफ से भी ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सख्त कदम उठा रहे हैं, अपना जो विवाद अब तक रहे भारत और चीन के बीच में विवाद लेके, चाहे वो अरुणाचल का मुद्दा हो या अक्साई चीन का मुद्दा हो या चीन की घुसपैठ का मुद्दा हो, वो तमाम चीजें सख्ती से उठाई गई हैं। पिछली सरकार पर आप ना कहीं कई बार हमला बोलते हुए नजर आए, जिसमें कहा गया कि पिछली सरकार की कूटनीतिक जो कोशिशें थी या जो अब तक प्रयास होने चाहिए थे, चीन को एक जो स्ट्रांग मैसेज देना चाहिए था, भारत ने पिछले 60 सालों में वो नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब जो शी जिनपिंग से मुलाकात की है उसका क्या हुआ? अब उसके बाद भी वही परिस्थितियां दिख रही हैं जो इस मुलाकात से पहले थी? देखिए, अभी आपने जो बातें कही कि परिस्थितियां बदली हैं और हमने ये कहा, प्रधानमंत्री समर्थवान है, सख्ती से बातें कहीं, तो इसमें कहीं से भी ईफ और बट का प्रश्न नहीं उठता है। वाकई प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री जो हमारे नेतृत्व करते हैं, जिस तरीके से उनको कहना चाहिए, उस विषय को बड़ी गंभीरता के साथ उन्होंने कहा। उसका मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं कि उन्होंने कहा कि भाई बात ये छोटी सी है लेकिन जब दांत की दर्द होती है तो पूरे शरीर को, बदन को परेशान कर देती है, तो बातें तो अपनी सख्ती से की। और पहला बार एक अवसर राष्ट्रपति अपने यहाँ गए तो सेना प्रमुख को सवाल ये है कि जो 12 समझौते आप लोगों की तरफ से किए गए उसमें ना तो अरुणाचल का मुद्दा, ना सीमा सुरक्षा का मुद्दा, और जो अरुणाचल में जो लोग जो जिसे स्टेपल वीजा कहा जाता है उसे लेकर भी जो मुद्दे सामने आए थे उन पर कोई चर्चा नहीं की गई। सवाल यह है कि आखिर जो महत्वपूर्ण चीजें थी, इसके अलावा रेलवे के आधुनिकीकरण की, महत्वपूर्ण है ये मुद्दे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनकी इंपॉर्टेंस कम है, जिसमें रेलवे के आधुनिकीकरण की आप बात करते हुए नजर आए और इसके अलावा भी अपने व्यापार क्षेत्र को बढ़ाते हुए नजर आए, चाइना को मैसेज आप लोग भी क्या दे रहे हैं? इसके अलावा जो एक स्ट्रांग मैसेज की बात की जाती थी वो स्ट्रांग मैसेज अब कहां गया? देखिए, अभी भी स्ट्रांग मैसेज की अगर बात नहीं होती, अपने विषय को प्रधानमंत्री जी अगर स्ट्रांगली नहीं रखते तो आज वहां के राष्ट्रपति, वहां के सेना प्रमुख को बुला करके, वहां के जो कम्युनिस्ट नेता हैं, महामंत्री हैं उनके नेशनल, उन्होंने बुला करके कहा कि भाई ये सीमा पर इस तरह की विवाद नहीं होनी चाहिए। और माननीय नरेंद्र मोदी जी से हमारी बातचीत हुई थी, इस विषय पर भी उन्होंने चर्चा किया, ये अच्छी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं विषय की सार्थकता है, विषय को मजबूती से रखा गया है, तभी चाइना इस विषय पर। ये मजबूती है कि एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और उसके बाद यथास्थिति आ गई ना, ये भारत की मजबूती है, ये भारत की सरकार की मजबूती है? नहीं, भारत सरकार की ये मजबूती नहीं है, भारत सरकार अपने आप में मजबूत सरकार है और मजबूती से विषय को रखा है सरकार ने। और अभी
एक दो दिन देखने के बाद ऐसा नहीं है कि वो चले आए चले गए तो जैसा चाहेंगे वो इस देश में हो जाएगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी की सरकार भारत की एक इंच जमीन को भी चाइना को नहीं देगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है, मेरा मानना है। और अगर ये स्थिति आती है तो आना जाना ये जिस तरीके से नहीं, फिर ये कूटनीतिक कोशिश जो कही जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही दिन यानी शपथ ग्रहण समारोह से अपनी कूटनीतिक कोशिश शुरू कर दी है, उन कूटनीतिक कोशिशों का चीन पर तो कोई प्रभाव नहीं है। और अगर देखा जाए अपने तमाम देशों के बीच में, अगर हम कंपैरिजन करें अपने पड़ोसियों में, चीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिहाज से, शक्ति के प्रदर्शन के लिहाज से भी देखा जाए, शक्ति ताकत के हिसाब से, कॉमर्स के हिसाब से, तमाम परिस्थितियों में। बिल्कुल। सवाल यही है ना कि फिर हमारी उन कूटनीतिक कोशिशों का सरकार की तरफ से क्या विदेशियों पर, खासकर चीन पर, कोई असर नहीं पड़ रहा? नहीं, देखिए दो बातें हैं। एक तो असर पड़ा जिस दिन आप ये कूटनीतिक बातें हुई और हमारे प्रधानमंत्री मिले, तो सेना की जो कुछ टुकड़ी थी वो पीछे गई, 100-200 सैनिक उनके पीछे गए, फिर आगे आ गए, फिर वो लोग अपनी सीमा विवाद को चाइना स्वयं सुलझाने में, जैसे आज आपने भी अखबारों को पढ़ा होगा, न्यूज देखा होगा, तो लगा हुआ है। अगर उनसे नहीं समझता है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत की एक इंच जमीन भी चाइना नहीं ले पाएगा। ये आप लोग कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि चीन की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, और ना ही चीन जो सीमा सुरक्षा लेकर है उसकी तरफ से अब तक कोई ऐसी टिप्पणी नहीं है जिसमें कहा गया हो कि जो चीन की सीमा है या जो सेनाएं हैं वो अपनी यथास्थिति पर वापस आए। सवाल यह है कि शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त वो भारत आए थे उसके बाद दावे सरकार की तरफ से भी किए गए थे और शी जिनपिंग ने कहा था कि वो उस तरीके के जो हालात हैं उन सुधारेंगे। बहरहाल अनूप पांडे साहब के पास जाना चाहता हूं, कांग्रेस नेता मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप साहब, सरकार ने जो आपकी गलतियां की, जो यानी आपकी सरकार जिस वक्त थी, आप लोगों के ऊपर भी बीजेपी के ये आरोप लगाए जाते थे कि कहीं ना कहीं आपकी कूटनीतिक कोशिशें कम है, कमजोर है, अब आप लोग वही कर रहे हैं। सवाल यह है कि जो लोग आप पिछले 60 साल में नहीं कर पाए ये 100 दिनों में कैसे कर देंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आलोचना करती है और इन लोगों ने सिर्फ आलोचना किया। कांग्रेस के शासन में यूपीए 1 और यूपीए 2 की बात करिए तो कभी इस तरह की बात नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी का जब शासन था, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तो अपनी ही भूमि पर कारगिल की लड़ाई हुई, भारत के भूमि पर पाकिस्तान घुस करके हमला किया। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो इनका खुफिया तंत्र कहा गया था जी, कि पार्लियामेंट पर हमला हुआ और उसमें सारे नेता मार दिए जाते। जब इन्हीं की सरकार थी तो इस देश के आतंकवादियों को छोड़ा गया कंधार ले जाकर के। और ये मोदी जी चुनाव के पहले भाषण करते थे, जो कांग्रेस पे हमला बोलते थे, यूपीए 2 पे हमला बोलते थे, मनमोहन सिंह को गूंगा बोलते थे, आज ये है कहां? वो लाशें कहां है, वो सर कहां है जो पाकिस्तान से ले आने की बात करते थे? और मतलब ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तान का शर्मसार है, पाकिस्तान का मुद्दा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ज्यादा आलोचना नहीं। सवाल चीन का है, सुनिए देश का ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा ना आलोचना करना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश हित की भावना को लेकर के बात करती है, आलोचना नहीं करती है, लेकिन ये कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश के अंदर चाइना के लोग घुस रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रहा। अनूप साहब माफ कीजिए, परिस्थितियां तो ये बिल्कुल आप लोगों की देन है, आप लोगों की यूपीए सरकार के शासन काल में क्या इससे अलग थी परिस्थितियां? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यही परिस्थितियां थी। अब ऐसे 100 दिनों में क्या बदल गया है? आप भारत का चौधरी साहब मेरी बात सुनिए, पूरी बात हो जाने दीजिए जी। हिंदुस्तान के इतिहास में जब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शासन रहा, भारत की एक इंच जमीन पर किसी घुसपैठिए की हिम्मत नहीं हुई, अगर घुसा तो उसे मार गिराया गया। और भारत हमेशा अपनी भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से मजबूत हुआ है और एक इंच जमीन कहीं बाहर नहीं गई है। और आज हमारे भूमि पर चाइना के लोग प्रवेश कर रहे हैं और ये बैठ के समझौता कर रहे हैं, ठीक है? मुझे कहना है, ठीक है अनूप जी, समझ गया कि भारत के प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए, इस पर प्रतिक्रिया होनी चाहिए। आरबी शर्मा साहब, सवाल यह है कि चीन ने कहीं ना कहीं एक घेरा बनाने की कोशिश की है भारत की तरफ, चाहे पाकिस्तान की तरफ जाकर अपना बेस कैंप बनाने की बात हो, श्रीलंका में जाकर हो, या फिर जो हिंद महासागर है वहां जाकर। सवाल यह है कि भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है और जो सीमा विवाद है वो नहीं सुलझाया जाएगा, बार बार इसी तरीके के मैसेज आ रहे हैं।
देखिए ऐसा है, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि चीन ने भारत को घेरने का एक प्रयास किया है, और जो आपने बताया इन्होंने जो दो बड़े कॉरिडोर बनाए हैं, एक कराक्रम होके पाकिस्तान का कॉरिडोर और दूसरा म्यांमार से होकर एरावली कॉरिडोर, उधर वो अरब सागर में और उधर खाड़ी बंगाल की खाड़ी में पहुंचना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने म्यांमार से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से और पाकिस्तान से इस प्रकार के कुछ रिश्ते बनाए हैं, और अब तो मालदीव में भी वो उनका एरोड्रोम बना रहे हैं, ये एक बात है। लेकिन जिस मुद्दे पर आपने बात अभी छेड़ी है, मैं पॉलिटिकल पार्टीज के स्टैंड पॉइंट से अलग, क्योंकि वो ऐसे शायद तथ्य नहीं है जिन पर बात करते हैं जी। अगर ऐसा होता कि कांग्रेस की सरकार में ऐसा होता, 62 इनकी सरकार में हुआ और 62 की लड़ाई और उसके प्रभाव, मैं आज की बात करता हूं। आपने एक प्रश्न ये उठाया कि मोदी जी का प्रभाव है क्या, क्या प्रभाव पड़ा है मोदी जी का उनकी कूटनीति का। मेरे ख्याल में मैं इसको जरा बॉक्स से अलग होकर देखता हूं जी। और ये जो घटना घट रही है ये मोदी जी की सख्त नीति के कारण ही घट रही है। अगर आप ये देखें कि 100 दिन के अंदर मोदी जी उन सभी शक्तियों के साथ मिले हैं और वार्तालाप की है जिनके साथ चीन के बहुत मधुर संबंध नहीं है, और अगर हम ये चाहें कि जापान के साथ बात होकर और साउथ ईस्ट एशिया में बात होकर उसके बाद भी अगर चीन हमारे हमारे मुताबिक और कहते ही पीछे हट जाएगा, ऐसी हमें शायद आशा नहीं रखनी। दरअसल आलू शर्मा साहब, सवाल तब उठता है कि अगर उसी चीन का एक राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति भारत आते हैं और उस तरीके के आश्वासन दिए जाते हैं और उसके बाद 2 या 3 दिन में इस तरीके की परिस्थितियां बन जाती हैं। धीरे जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, वापस आऊंगा, मुझे एक रिपोर्ट यहां पर दिखानी है जिस तरीके की परिस्थितियां यहां पर बन रही हैं उन तमाम चीजों को लेकर दलबीर सिंह सुहाग ने अपना जो दौरा है भूटान का वो रद्द कर दिया है, यानी कहीं ना कहीं परिस्थितियां गंभीर हैं। एक रिपोर्ट देखिए। क्यों हो रही है चीनी सेना बेलगाम, सीमा गतिरोध पर भारत का सख्त रुख, चीनी मीडिया से बातचीत रद्द। चुमार में गतिरोध के चलते सेना प्रमुख सुहाग ने किया भूटान दौरा रद्द। लद्दाख के चुमार क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे चीनी घुसपैठ मामलों पर भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए चीनी मीडिया से होने वाली बातचीत रद्द कर दी है। तो वहीं भारतीय सीमा क्षेत्र में जारी चीनी घुसपैठ की घटनाओं का पहला असर दोनों देशों के मीडिया के बीच होने वाली बातचीत पर पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए 24 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित भारत चीन के मीडिया संस्थानों के बीच की बातचीत को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि यह बैठक हर साल होती है, लेकिन इस बार सरकार ने चीनी संपादकों की यात्रा को मंजूरी नहीं दी है। सरकार की तरफ से फिलहाल इस बारे में कोई बयान नहीं दिया गया है, मगर समझा जाए तो कयास लगाए जा रहे हैं कि यह निर्णय चीनी सेना के लगातार जारी घुसपैठ की घटनाओं के मद्देनजर लिया गया है। गौरतलब है कि लद्दाख के चुमार इलाके में पैदा हुए टकराव के हालात ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया था जब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सीमा में अपने 7 तंबू गाड़ दिए और अब सीमा से वापसी के कोई संकेत नहीं दे रही है। सूत्रों के मुताबिक गाड़ियों पर सवार होकर लेह से 300 किलोमीटर दूर चुमार में आए चीनी सैनिकों ने भारतीय थल सेना की ओर से इलाके को खाली करने की बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद भारतीय सीमा में अपने तंबू गाड़े हुए हैं। वही सूत्रों ने कहा है कि पीएलए के करीब 100 जवानों को सामरिक रूप से अहम चौकी पॉइंट 30R के पास देखा गया, जहां पर आपको बता दें कि पॉइंट 30R चौकी से भारत को चीन की सीमा में भीतर तक नजर रखने में मदद मिलती है। सूत्रों ने कहा है कि ये घुसपैठ चुमार इलाके में एक छोटी पहाड़ी पर पहले से ही मौजूद
35 चीनी सैनिकों के अतिरिक्त हैं। तो चीन ने हेलीकॉप्टरों से एक बार फिर अपने सैनिकों के लिए खाने पीने के पैकेट गिराते देखा गया, पर उन्होंने वायु क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया। पीएलए के जवानों ने बाद में खाने के पैकेट उठाए और उन्हें अपने तंबू में खाने के लिए रख दिया। इस इलाके में तनाव की स्थिति उस वक्त पैदा हुई थी जब अपनी सीमा में सड़क निर्माण का काम कर रहे कुछ चीनी कामगारों ने भारतीय सीमा में दाखिल होना शुरू कर दिया और ये दावा भी किया कि उनके पास साइबल तक सड़क बनाने के आदेश हैं। साइबल भारतीय सीमा में 5 किलोमीटर अंदर का इलाका है। भारतीय थल सेना ने चीनी कामगारों से वापस जाने को कहा और उन्हें चेतावनी दी कि यदि वो वापस नहीं गए, देश में अवैध रूप से घुसने के आरोप में उनके खिलाफ भारतीय कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश से सटे लद्दाख के इलाके में आखिरी गांव चुमार पर चीन अपनी दावेदारी पेश करता रहा है। चीन का कहना है कि चुमार उसका इलाका है। तो वहीं चीनी सैनिकों की ओर से लद्दाख में घुसपैठ और उनके वहां तंबू गाड़ कर जम जाने के मद्देनजर सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने अपनी भूटान की 4 दिवसीय यात्रा रद्द कर दी है। ये यात्रा मंगलवार को शुरू होने वाली थी। सेना के सूत्रों के मुताबिक सेना प्रमुख अब परस्पर सहमति से तय किसी और समय पर भूटान की यात्रा करेंगी। यात्रा रद्द करने का निर्णय ऐसे समय पर किया गया है जब चीन के सैनिक लद्दाख के चुमार इलाके में भारतीय सीमा के अंदर पिछले 10 से ज्यादा दिनों से बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन की सेना भारतीय सीमा पर दादागिरी दिखाते हुए घुसपैठ कर रही है, तो अब ऐसे में कैसे आएगी रिश्तों में मधुरता? सुदर्शन न्यूज के लिए गणेश पाठक की रिपोर्ट। अरविंद शर्मा साहब, अगर परिस्थितियों को देखा जाए, जिस वक्त शी जिनपिंग भारत आए थे उस वक्त ये कहा गया कि 17 बार की बातचीत जो है वो विफल हो चुकी है, तो क्या ये 18वीं बातचीत जो बीच में हुई है इसे भी असफल मान लिया जाए? मेरा ये ऐसा मानना है कि कोई बातचीत असफल नहीं होती। अगर आपकी उसके बारे में जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत ऊंची ना हो, और अगर इस 18वीं बार की बातचीत के बारे में अगर किसी की बहुत ज्यादा अपेक्षाएं थी तो उसको शायद ये असफल नजर आएगी। मैं ये मानता हूं कि अभी चीन और भारत के अंदर कई बार और बातचीत होनी है। 18वीं या 17वीं बातचीत कोई अंतिम बात नहीं है। और जहां तक जनरल सुहाग के भूटान के दौरे को कैंसिल करने वाली बात है, वो एक सही कदम है और एक सही प्रकार का संदेश भेजा गया है कि जब भारत पर आक्रमण हो उस समय यहाँ के जो थल सेना अध्यक्ष हैं वो भारत से बाहर रहें, तो ये अच्छा नहीं मैसेज नहीं जाता, सही मैसेज नहीं जाते हैं, इसलिए इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर ठीक है दिनेश जी, सवाल ये है कि पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से शुरुआत की गई उसके बाद पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो बिल्कुल बाज नहीं आया, वैसी परिस्थितियां बनी रही, आप लोगों के ऊपर आरोप ये लगाया गया कि आप लोगों ने जल्दबाजी कर दी, परिस्थितियां यहां तक पहुंची कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में आगे की बातचीत करने के बारे में भी गृह मंत्रालय की तरफ से ही आया कि जब तक आतंकवादी गतिविधियां बंद रही होगी पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं की जाएगी। चीन के साथ भी कुछ ऐसा ही कर दिया गया? देखिए, यहां भी जल्दबाजी हो गई? यहां कोई जल्दबाजी नहीं हुई। जो अपने कूटनीतिक बातें होती हैं, और अभी जिसे शर्मा जी ने बताया कि सभी जगह भारत ने सार्थक प्रयास किए हैं कि विश्व की बहुत सारी शक्तियों से हमारे प्रधानमंत्री मिले, अन्य देशों में गए, तो बहुत देशों से उसमें चाइना का संबंध बढ़िया नहीं है, तो स्वाभाविक है कि हमारे यहां से अगर दूसरे देश में मिलते हैं तो उसका असर पड़ेगा। लेकिन भारत का जो काम है, अपना जो कूटनीतिक सोच है, जो विचार है, उस पर भारत आगे बढ़ रहा है। अभी मैं एक पांडे जी अपने बोल रहे थे कि भौगोलिक सीमाएं परिस्थितियां क्या, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूं 2-3 बातें, वो क्लियर रूप से बताए नहीं। उन्होंने पार्लियामेंट का जिक्र किया कि वहां पर आतंकी हमले हुए, तो पांडे जी उस समय भी देश के प्रधानमंत्री बहुत मजबूत प्रधानमंत्री थे, और देश की सेना के और अपने जो दिल्ली पुलिस के जवानों को मैं उस समय भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने अगर अटैक किया
तो एक भी आतंकवादी पार्लियामेंट से बाहर नहीं निकल पाए और सारे जने वहीं मार गिराए गए। फिर कारगिल पर उन्होंने कहा, मैं कारगिल की भी मैं बात बता देना चाहता हूं, नहीं उन्होंने एक विषय रखा था, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। ठीक है कि कारगिल में भी जब लड़ाई हुई तो कारगिल में अगर घुसपैठ के माध्यम से वो अपरोक्ष रूप से पाकिस्तान उसमें तारीफ भारत की सेना में की जानी चाहिए सर। ठीक, जबरदस्त तरीके से ठीक है, उस वक्त सेना ने कारगिल में जवाब पाकिस्तान को दिया। और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि उस समय और जो 62 में लड़ाई हुई, मैं उस जमीन की चर्चा नहीं करूंगा कि वो आज भी जमीन कितने उनके पास पड़ी हुई है। उस समय में रक्षा मंत्री मेनन साहब थे, नेहरू जी ने क्या कहे थे, नेहरू जी उस समय विदेश जब लड़ाई लगी हुई थी तो क्यों जा रहे थे, अभी उस समय जो आर्मी चीफ थे वो ठीक है, वो नेहरू जी के रिश्तेदार थे। इन सारे विषयों पर मैं भी चर्चा नहीं करना चाह रहा था, मेरा सवाल लंबी हो जाएगी। हाँ, चर्चा लंबी हो जाएगी, अपने मुद्दे पर आते हैं। आप लोगों ने जल्दबाजी कर दी पाकिस्तान की तरह चीन के साथ बातचीत करने में। सवाल यह है कि क्या चीन के साथ आप लोगों की बातचीत जो है वो सार्थक साबित नहीं हुई है? 18वीं बार बातचीत हो रही है, वो भी विफल। देखिए, ये अभी इस वार्ता को हम विफल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ आपने बताया ना कि राष्ट्र अध्यक्ष कहिए, उनके जो है चिनफिंग साहब आए हुए थे, तो उन्होंने जो विषय अभी रखा है अपने आर्मी के चीफ को बुला करके समझाया है, बोला है, तो इस वार्ता को अभी विफल नहीं मान सकते हैं। और ये तय बात है, मैं पहले भी कहा कि भारत अपना एक इंच जमीन चाइना को नहीं दे सकता है। अब परिस्थिति 62 की नहीं है, भारत आज एक शक्ति संपन्न देश है, उस समय स्थिति भारत की अलग थी। 62 में प्रधानमंत्री अलग लोग थे, आज देश के प्रधानमंत्री अलग लोग हैं। ठीक है, तो जी, सवाल यह है कि क्या अगर मनमोहन सिंह आज देश के प्रधानमंत्री होते, कैसी बनती है क्या? अगर आज देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते और उनके नेतृत्व में आज शी जिनपिंग मिलने आए होते तो भी बीजेपी का क्या यही स्टैंड होता? सवाल यह भी है। अनु पांडे साहब, आपके पास आना चाहता हूं। सवाल यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से बातचीत करते हैं, परिस्थितियां जो हैं वो आज आप लोगों को लगती है कि बीजेपी की या एनडीए सरकार की कूटनीतिक कोशिशें कामयाब नहीं है? मनमोहन सिंह भी मुलाकात करके आए थे, आपके जो नेता हैं वो भी मिलने गए थे, लेकिन उस वक्त भी परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया था। हास्यास्पद बात है, सुनिए ना, सुनिए सुनिए, कितनी हास्यास्पद बात है कि सुनिए, सुन लीजिए कि मोदी जी ढोल बजा रहे हैं, सुनते चलिए। और चाइना की सेना भारत में घुस रही है, ठीक है, और पूरा मीडिया और पूरा बीजेपी का कुनबा और आरएसएस का कुनबा ताली पीट रहा है कि बुलेट ट्रेन चलेगी, ये चलेगा। हमें इस पर, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, इस पर ज्यादा हम कुछ बहस नहीं कर सकते, देश का सवाल है। लेकिन ये लोग जो मंचों पर बात करते हैं घूम घूम करके पूरे देश में, जिस तरीके से इन लोगों ने अपने को एक साबित किया, आप मोदी जी का चुनाव का पहले भाषण सुन लीजिए, और जितना आलोचना इन लोगों ने किया राष्ट्र के सवाल पर, देश के सवाल पर, ये दल खत्म हो जाता है, सारे लोग भारतीय हो जाते हैं, सारे लोग, एक आलोचना वहां नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहां कूटनीति का सवाल है, इनकी क्या कूटनीति है, इसको सफल कहेंगे आप कि एक तरफ चाइना का राष्ट्रपति देश के अंदर आ रहा है और वार्ता चलने जा रही है 17 मुद्दे पर 16 मुद्दे पर, उधर से सेना अटैक कर रही है, इधर मुशर्रफ साहब इधर वहां के पाकिस्तान के राष्ट्रपति साहब आ रहे हैं, और इधर सीमा पर आतंकवादी घुस रहे हैं, और ये बोलते हैं कि मेरी कूटनीति सबसे सही है। सवाल ये है, ठीक, सवाल ये नहीं है, ठीक है, सवाल ये है, अगर सुषमा स्वराज विदेश मंत्री के तौर पर ये कहती है कि भारत चाहता है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत की संवेदनशीलता को उसी तरह समझे जैसे भारत तिब्बत और ताइवान पर चीन का सम्मान को समझता है, कि क्या चीन ये समझने को तैयार नहीं है? ये इंकार कर दिया गया है, कोशिशें भले ही कही जाती हो ऊपरी तौर पर, अंदर कुछ और चल रहा है। नहीं, आपने उस बयान में जो कहा है वो तो स्पष्ट किया, लेकिन जो कहा नहीं गया है उसके बाद उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की ओर तो ध्यान दिलाया, लेकिन सियाचिन के बारे में कोई बात नहीं की। ये एक अपने आप में प्रश्न उठता है कि अगर हमारी जो मान्यताएं हैं दोनों तरफ सियाचिन में और अरुणाचल प्रदेश में, तो उन दोनों के बारे में संवेदनशीलता चीन में होनी चाहिए, ये एक बात होती है। हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए आरबी शर्मा साहब। हाँ, मैं एक सवाल यहां पूछना चाहता हूं, अगर एक्साई चीन के बारे में जिक्र भारत की तरफ से नहीं हो रहा है तो कमी भारत की है, मैं ये मानूं? नहीं, कमी भारत की नहीं है, क्योंकि वो उस संदर्भ में बात कर रही थी जो वहां अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात थी,
और जो अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात लागू होती है वही अक्साई चीन के बारे में भी बात लागू होती है। लेकिन मेरा कहने का मुद्दा ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि जो पॉलिटिकल व्यू हो वो जो इनके रहे ठीक, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज परिस्थिति में कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बुलेट ट्रेन क्यों चलाएं। देखिए भारत एक बहुत सक्षम देश है, वो बुलेट भी चला सकता है और बुलेट ट्रेन भी चला सकता है, इसलिए इस प्रकार का संदेश इस समय विश्व रूप से जाना चाहिए। जरा सा हमको रक्षा विशेषज्ञ जी और ये जो ज्ञाता है इनसे थोड़ा मुझे प्रार्थना है, एक मिनट मेरी बात सुने जरा। जी बताइए जी, बोलिए बोलिए है आपसे। हाँ हाँ सुनिए, ये बताइए कि भारत के साथ ये क्या हो जाने। नहीं, निवेदन है आपसे, एक सवाल आपसे है मेरा। हाँ पूछिए जी, बोलिए अनु पांडे साहब। आपसे है कि क्यों 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 भारत में ही लोग घुसते हैं, चाहे चाइना घुसे चाहे पाकिस्तान घुसे, भारत की सेना क्यों नहीं पाकिस्तान में घुसती है और चाइना के बॉर्डर में पार करती है? इसका आपके पास क्या जवाब है? अनुपांडे साहब, तो मंचों से अनुपांडे साहब घुसती है। पिछले 10 सालों से यूपीए का शासन काल था, देश में लोग घुसेंगे। नहीं अनुपांडे साहब, ठीक है मैं वापस आता हूं आपका जवाब। नहीं, आपने बोला कि राजनीति नहीं, मैं एक सामरिक, बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा अनुपांडे साहब हम नहीं कर रहे हैं। शर्मा साहब से आपकी बात का जवाब दिलवा रहा हूं। आप विशेषज्ञ हैं, आपको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, आपको तो सही सही बात जनता के सामने रखनी चाहिए। आरबी शर्मा साहब से कह रहा हूं आपका जवाब देने के लिए। भारत के, लेकिन सवाल यह है कि ये जिस वक्त 10 साल का शासन यूपीए सरकार का चल रहा था, उस वक्त किसी कांग्रेस नेता ने किसी भी एक्सपर्ट से सवाल नहीं पूछा और ना ही जानने की कोशिश की। आरबी शर्मा साहब जवाब दे दीजिए। जी मैं दे देता हूं। आप एक्सपर्ट ये हाँ ना, आप सही सही तथ्य रखिए। अभी आप सुन लीजिए, पहली बात तो तथ्य ये जो आपने कहा कि भारत की सेना कहीं क्यों नहीं जाती, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हमने पाकिस्तान के तोड़कर दो हिस्से कर दिए हैं, ये विश्व रूप में जाना जाता है। इसलिए सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले आप सुनने का धीरज रखिए, ये जो आप धैर्य रखें, सूचना करते हैं कांग्रेस, सुन लीजिए, आप धैर्य से पहले बात तो सुन लें। मेरा कहना ये है कि ये कहना है कि भारत जो है वो कहीं नहीं जाता और सब हमारे अंदर ही आके घुसते हैं, ये बात सही नहीं है। दूसरी बात ये है कि जहां तक आपने शायद बहुत से बयान नहीं पढ़े होंगे, और हमारा इरादा ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के और इससे आगे टुकड़े करें, लेकिन पाकिस्तान को ये मालूम है कि अगर उसकी किसी कूटनीति से या किसी राजनीति से कोई भारत की ओर आंच आई तो उसके हिस्से टुकड़े होने और आगे होने वाले उनका अपना भय है। बलूचिस्तान में उनके साथ क्या हो रहा है या सिंध में क्या हो रहा है वो सब जानते हैं, इसलिए उस संदर्भ में हम बात ना करें। हम इस समय संदर्भ ये रखें कि जो इस समय देमचौक और चुमार में जो हो रहा है, इससे भारत को क्या संदेश जाता है, केवल इस बात पर अगर हम केंद्रित करें ठीक, तो इस एक घंटे का अच्छा लाभ उठा पाए। ठीक, यहां पर नहीं दिनेश जी, सवाल यह है कि भारत सरकार की कठोरता बताई जा रही थी और चीन की नरमी बताई जा रही थी, अब उस सवाल का क्या होगा? देखिए ये भारत की कठोरता और चीन की नरमी का कहीं से कोई सवाल नहीं है। जब दो देशों के प्रमुख आपस में बातचीत करते हैं तो बहुत सारे विषय सामने निकल करके आते हैं, व्यवसाय से लेकर के सीमा तक, सुरक्षा तक, तो उसमें किसी की नरमी, किसी की सख्ती, इस तरह के शब्द का प्रयोग तो मेरे समझ से बाहर की बात है। और आपने कहा कि वार्ता को विफल माने कि सफल माने, तो किसी फ्रंट पर, व्यवसायिक फ्रंट पर देखें और सीमा के फ्रंट पर देखें, तो एक जगह जो है मेरे समझ से अभी इसमें कुछ भी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि वहां के लोग उन्होंने अपने सेना को समझाने में लगे हैं कि भाई यदि समझाने में नहीं लगे हैं, शी जिनपिंग कह रहे हैं कि क्षेत्र युद्ध के लिए तैयार रही है। एक सवाल मैं आपसे यहां पर पूछना चाहता हूं दिनेश जी, सवाल यह है कि क्या यह रिपीट टेलीकास्ट था जिस वक्त एनडीए का शासनकाल था, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और उस वक्त मुशर्रफ का आगरा शिखर वार्ता हुई थी, उस वक्त की परिस्थितियों में और अब की परिस्थितियों में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता है? अगर मुशर्रफ आते हैं और उसके बाद वो बातचीत अधूरी छोड़कर पाकिस्तान वापस चले जाते हैं, परिस्थितियां जस की तस बनी रहती हैं। आज भी बिल्कुल वैसी परिस्थितियां दिख रही हैं, शी जिनपिंग आते हैं उन्हें ग्रैंड सैल्यूट मिलता है, ग्रैंड वेलकम मिलता है, मुशर्रफ साहब को मिला था, वो वापस जाते हैं, परिस्थितियां जस की तस हैं, एक बार फिर से वही परिस्थितियां दोहराई जा रही हैं, रिपीट टेलीकास्ट नहीं लगता है आपको? देखिए
आप जो कहे तो किसी भी देश का कोई भी प्रमुख व्यक्ति जब भारत में आता है तो आतिथ्य सम्मान तो करना भारत का कर्तव्य बनता है। ऐसा तो नहीं है कि आप उसको दुत्कार करके और कहेंगे कि तुमसे हम बात नहीं करेंगे। मेहमान नवाजी की बात ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके का ग्रैंड वेलकम दिया जाता है, मुशर्रफ साहब जिस तरीके से सुर्खियों में उस वक्त आए थे और उसके बाद अब एक बार फिर से शी जिनपिंग का जिस तरीके से स्वागत हुआ है, आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियां एक बार फिर से बन गई हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि दोनों परिस्थितियां सामान्य है, क्योंकि वो यहां से जाने के बाद मुशर्रफ साहब का पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के लोगों ने क्या हाल किया था, तो अभी वो स्थिति चाइना में जिनपिंग साहब के साथ नहीं दिख रही है। भाई, तो वो तो राष्ट्रपति बन गए थे, आपके देश का क्या हाल हुआ था? तो इसलिए इस विषय पर ये नहीं कहूंगा कि दोनों परिस्थितियां समान है, क्योंकि उस समय भी दोनों देश के मुद्दे अलग अलग थे, आज दोनों के मुद्दे अलग अलग हैं, तो इसलिए उसको एक समानता से तो मैं तुलना नहीं कर सकता कि दोनों की स्थितियां समान थी और वो विफल हो गया तो ये भी वार्ता विफल हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना नहीं। और विफल का पैमाना क्या होगा अगर ये परिस्थितियां हैं? दिनेश गुप्ता साहब, दिनेश प्रताप सिंह जी, अगर हम यहां पर देख रहे हैं कि चीन के राष्ट्रपति भारत आने वाले थे और उस दिन परिस्थितियां वही थी, आरबी शर्मा साहब, सवाल ये है कि जिस दिन यहां पर शी जिनपिंग आते हैं उस दिन भारतीय सीमा के अंदर चीन की सेना मौजूद होती है, शी जिनपिंग कहते हैं कि उन्हें यथास्थान पर पहुंचाया जाएगा, जो उनकी यथास्थिति है उस पर वो पहुंचेंगे, तो चीन पर भरोसा करने में क्या भारत ने जल्दबाजी कर दी? क्या हमें यहां पर कहीं ना कहीं भरोसा नहीं करना चाहिए था चीन पर? क्या भरोसे लायक है चीन? नहीं, अनुप साहब आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं अनुप साहब मैं आपके पास। इनसे अनुप जी, बात ऐसी है, ये क्या जवाब देंगे? इनकी बुनियादी झूठ के तौर पर तैयार हुई। नहीं, ठीक है, आता हूं मैं आपके पास जी। आरबी शर्मा साहब, ये लोग केवल झूठ बोलते हैं। नहीं, ऐसा है, अच्छा किया आपने पैनल पर एक सच बोलने वाले आदमी को भी बुला लिया है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन मेरा कहना ये है कि नहीं, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ, जो कहा सो किया, अच्छा किया। चलिए, और अभी तक आपने जो कहा वो कभी नहीं किया। नहीं, अरे मैं मारा जाता है, आरबी शर्मा साहब तो हमारे एक्सपर्ट हैं, जवान मारा जाता है तो उसको फर्जी इनकाउंटर बताते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। A18 में जो मरे मोहन चंद शर्मा, ठीक है, वो कहा राष्ट्रीय मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात कर रहे हैं, केवल देश के अंदर ही आप राजनीति कर सकते हैं, कूटनीति अगर मालूम होती। चलिए, ठीक है, ये हाल नहीं होती। चलिए चलिए, वापस ठीक है, वो मुद्दा नहीं है। लड़ाई में क्या हाल हुआ इस देश का कि सेनाओं के पास वहां तक जो है राशन पानी भी नहीं पहुंचा। चलिए, ठीक है ठीक है, मुद्दे पर वापस आते हैं। मुद्दा हमारा चीन का, दिनेश प्रताप सिंह जी, वो मुद्दा नहीं है, एक ब्रेक ले रहे हैं यहां पर वो आप लोग, और सवाल यही है कि क्या भारत ने जल्दबाजी कर दी चीन पर विश्वास करने की, और क्या धोखा देगा चीन मोदी को और भारत को? एक ब्रेक ले रहे हैं, लौटते हैं। क्या अगर चीन भारत को सीमा पर आंख दिखा रहा है उसका कारण चीन की शक्ति है? दरअसल एक कंपैरिजन आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए कि क्या स्थिति है भारत और चीन की सैन्य ताकत की। चीन और भारत की सैन्य क्षमताओं की बात करें तो चीन सैन्य क्षमताओं के सभी क्षेत्रों में भारत से काफी आगे है। सैनिकों की बात करें तो भारत के पास 13 लाख सैनिक तो चीन के पास लगभग दुगने 23 लाख सैनिक है। वहीं लड़ाकू विमान की संख्या की बात करें तो भारत के पास 950 तो चीन के पास 1,762 लड़ाकू विमान है। रक्षा क्षेत्र पर खर्च में भारत 2,82,000 करोड़ रुपए खर्च करता है तो चीन इसमें 5 गुना ज्यादा 11,28,000 करोड़ रुपए खर्च करता है। बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज में भी भारत चाइना से पीछे है। भारत की बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज की क्षमता 2,000 किलोमीटर है और चीन के मिसाइलों की 13,000 किलोमीटर। परमाणु हथियार में भी चीन ही भारत से आगे है। चीन के पास 250 परमाणु हथियार हैं, तो भारत के पास 90 से 110 हैं। समुद्र क्षमता की बात करें तो यहाँ भी चीन काफी आगे है। चीन के पास 50 पनडुब्बियाँ हैं तो भारत के पास केवल 14 पनडुब्बियाँ हैं। दर्शन न्यूज के लिए मोहित शर्मा की रिपोर्ट। आरबी शर्मा साहब, अगर यहाँ पर आकलन किया जाए सैन्य क्षमताओं का तो चीन भारत से काफी आगे है, क्या ये भी एक कारण है कि कहीं ना कहीं चीन वापस अपने जो कदम खींचता नहीं है पीछे? नहीं, ऐसा है, देखिए, आंकड़ों के बल पर सारे निर्णय नहीं होते। अगर ये हो कि किस देश के पास कितनी क्षमता है और वो पड़ोसियों को निगल जाएगा, ऐसी बात नहीं होती। नहीं तो चीन से कहीं अधिक शक्ति
भूतपूर्व यूएसएसआर में रही है, आज भी अमेरिका के पास से पास उससे ज्यादा शक्ति है, लेकिन कितने देशों को उन्होंने निगल लिया है आसपास। तो इस प्रकार का हमारी जानकारी होना ठीक है, लेकिन युद्ध की क्षमताएं और युद्ध की नीति और लड़ाई करने का लाभ या लड़ाई करने का नुकसान, इसमें केवल सेनाओं के आंकड़े ये काम नहीं करते। आज परिस्थिति ये है कि चीन भारत से, भारत तो चीन से लड़ाई करने की क्षमता में है नहीं, लेकिन आज चीन भी भारत से लड़ाई करने की ना नियत रख सकता है ना क्षमता रखता है, क्योंकि दूसरी शक्तियां भी ऐसी हैं जो भारत के साथ या भारत मिलकर या भारत के इंटरेस्ट में या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर के उसका असर चीन की राजनीति पर होना अनिवार्य है और होना भी चाहिए। लेकिन अभी भी चीन की जो फौज है वो अभी भी मौजूद है हमारे बॉर्डर में, हमारे सीमा में, ये अभी भी चिंता का विषय है। इस पर अभी तक जो ठोस कार्रवाई चीन की तरफ से होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई है। दर्शन न्यूज के लिए मोहित शर्मा की रिपोर्ट। दिनेश जी, परिस्थितियों में कितना बदलाव आ गया? अब जिस चीज को आप कह रहे हैं कि परिस्थितियों में बदलाव नहीं आया है, लेकिन मैं पहले भी कहा, मैं अभी भी कहा कि निश्चित रूप से परिस्थितियों में बदलाव है, और इस पर कोई भी कमेंट्स करना कि युद्ध की स्थिति बनती है, क्या होगा नहीं होगा, सभी लोगों के अपने अपने विचार हैं। अभी जो बहुत शक्तिशाली देश है, जिसे आपने भी आंकड़ा दिखाया, अब शर्मा साहब ने भी कहा कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं तो आप अपने पड़ोसियों को निगल जाइएगा, और विश्व के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं तो हमारे साथ बहुत लोगों का इंटरेस्ट है, हमारा भी बहुत लोगों में इंटरेस्ट है। तो मुझे नहीं लगता है कि चीन भारत के साथ युद्ध करने का दुस्साहस करेगा, और आंकड़ों के हिसाब से युद्ध नहीं होता है। यदि आंकड़ों के हिसाब से युद्ध होता तो इजराइल एक छोटा सा कंट्री है, 40-45 लाख की आबादी है, लेकिन वहां के हर एक लोग सैनिक हैं, और उसके जो भी पड़ोसी देश हैं, और आप भी जानते हैं कि इजराइल किसी के साथ दबता नहीं, वो सबके साथ मुकाबला करता है, और बड़ी शांत है इजरायली लोग आज भी जीवन यापन करते हैं। तो भारत मुझे नहीं लगता है कि इस स्टेज में और चीन युद्ध करेगा या चीन और आगे बढ़ेगा और भारत देखता रहेगा, मुझे नहीं लगता है कि ये युद्ध की स्थिति बनेगी। वो वहां अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनके तो अपने सेनाध्यक्षों से मिलकर के लोग सुलझाने के प्रयास में है, नहीं सुलझाएंगे तो देश के प्रधानमंत्री सक्षम है, सरकार सक्षम है, वो लोग निर्णय लेंगे कि क्या करना है। लेकिन जो बात नकवी साहब ने कही, उस बात को मैं पुनः दोहराता हूं कि भारत अपनी एक इंच जमीन भी देने के पक्ष में नहीं है और नहीं देगा। ठीक, आरवी शर्मा साहब, जो फिलहाल की परिवेश है, और मैं इसका जवाब देना चाहूंगा चौधरी साहब, अभी आतंकवाद के मुद्दे पर लोगों ने कहा कि घुसपैठिए घुस आए हैं, आतंकवादी आकर के बैठ गए हैं जम्मू कश्मीर में, तो ये जम्मू कश्मीर में आतंकवादी जो बैठे तो उसका नियत क्यों कश्मीर में और इस देश के कोने कोने में जाने की है? इसलिए कि यहां पर जो पिछली सरकारें रही हैं, जो अभी पांडे साहब कह रहे थे कांग्रेस की सरकार, तो जब किसी आतंकवादी को दिल्ली पुलिस का जवान मारता है अपनी जान पर जोखिम खेल करके, और उस जवान शहीद हो जाता है, और आप उसको कहिए कि फर्जी इनकाउंटर किया, इससे देश के और दिल्ली पुलिस के जवानों के मनोबल बढ़ते हैं और घुसपैठियों के मनोबल बढ़ते हैं। इस वजह आवाज आ रही है जी, पांडे साहब बोलिए, इस वजह से चौधरी साहब, हां जी बोलिए, के मनोबल मैं ये कहना चाहता हूं, हेलो, हां पांडे साहब बोलते रहिए, कि जब चाइना की जनता और चाइना के सैनिक भारत में घुसे हैं तो ये नागपुर के जो लोग हैं, राष्ट्रीय स्वयं संघ वाले जो आरएसएस के हैं, कम से कम इन लोगों को जाना चाहिए, वहां जाकर के कहना चाहिए हम राष्ट्रभक्त हैं, यहां से भगो। इसका मोहन भागवत जी का बयान आना चाहिए, कैसे घुस आए, वहां कैंप गाड़ के खड़े हैं हजारों की संख्या में। ठीक, अभी भी ये लोग राजनीति कर रहे हैं ना, आपको जानकारी नहीं है पांडे जी। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 1962 की लड़ाई हुई और जब 1962 की लड़ाई हुई तो उसमें संघ के संसदों ने भाग लिया था, और कांग्रेस के लोगों को जब कोई बात समझ में नहीं आती है तो नागपुर पर चले जाते हैं। इंदिरा गांधी को भी यही संघ के लोगों ने कहा था कि दुर्गा है, संघ के लोगों ने नहीं कहा था। ठीक,
ठीक है, यहाँ पर खत्म हो रहा है। अरविंद शर्मा साहब देश के लिए काम किए थे कि कुछ संघ के 1000 2000 5000 स्वयंसेवकों को यहाँ पर चीन की पॉलिसी क्या है उसे एक्सप्लेन कीजिए। परिस्थितियां जो हैं भले ही कुछ भी बन रही हो, चीन भी तो कुछ मनोदशा लेकर चल रहा होगा, उसकी क्या पॉलिसी है अगर ये परिस्थितियां? मुझे अभी ऐसा लग रहा है केवल हाथ पे इनका भाषण होगा कि चीन, ठीक है, चीन का इस वक्त ये प्रयास है कि वो बदले हुए माहौल में परिस्थितियों का ठीक आंकलन करें कि किस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं और जो क्षेत्रीय रीजनल पावर्स का जो एक इकट्ठा होना है, कुछ भारत के पक्ष में कुछ एक दूसरे के, वो शायद इस सारे का मोल तोल इस वक्त ले रहा है। इसलिए बड़ा जल्दी होगा इस बात को मान लेना कि उनके जो प्रधान यहाँ आए प्रेसिडेंट, ठीक है, उनका आना यहाँ सफल रहा या विफल, ठीक, आज उसके बारे में निर्णय करना दुरुस्त नहीं है। चलिए, लेकिन सचेत हमें रहना चाहिए, सचेत हमें यहाँ पर रहने की जरूरत है और देखना होगा कि जो कोशिशें भारत की तरफ से चाइना के साथ मिलकर आगे बढ़ने की गई थी वो आगे कामयाब हो पाती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वही सुदर्शन न्यूज का आज का सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सेना को चीन से युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए? आप अपने जवाब हाँ या ना में भेज सकते हैं। जवाब के लिए आप SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, SUD लिखें, फिर स्पेस दें, फिर अगर आपका जवाब हाँ है तो यस लिखें और अगर ना है तो नो लिखें। इस मैसेज को आप 08750047855 पर भेज दें। आप अपने जवाब हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर जाकर भी दे सकते हैं। सवाल का जवाब अगले दिन रात 9 बजे के शो में दिखाया जाएगा। तो कल रात 9 बजे के शो से पहले अपनी प्रतिक्रियाएं आप हम तक पहुंचा सकते हैं। वहीं सुदर्शन न्यूज ने सवाल कल आपसे पूछा था, क्या शिवसेना को बीजेपी को 130 सीटें दे देनी चाहिए? इस सवाल के जवाब में जो प्रतिक्रियाएं हम तक आई हैं उसमें ज्यादातर फीसदी यानी 72% का कहना है हां और 28% का नहीं। इसी के साथ इस विशेष में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।